वेल आज मेट्रो पार्क सीजन टू से एक और किरदार हमारे साथ जुड़ गए हैं और कल्पेश पटेल उर्फ रणवीर शौरी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल दैनिक भास्कर से बात करने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी मैं, पहले तो केम छू तमे, मजा मचो? मजा मचो, थैंक यू। अरे ग्रेट, क्या नया दिखने को मिलने वाला है सीजन टू में? सीजन वन को तो बहुत सराहना मिली थी, इसमें क्या नया है? नया नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि वही स्टोरी आगे बढ़ती है एंड थोड़ा मजा बढ़ता है, फैमिली और फैमिली बढ़ती है, यू कैन सी मोर कैरेक्टर्स फ्रॉम द फैमिली और उनकी कैरेक्टर्स की जो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हैं वो बढ़ती हैं, तो ऑब्वियसली उसके साथ जो लेवल ऑफ क्रेजीनेस भी बढ़ता है। सो आई वुडन्ट से न्यू, आई वुड से मोर ऑफ बिगर बेटर ग्रैंडर। अब सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेट करना चाहूंगी इस चीज के लिए कि बॉलीवुड में आप ऑलमोस्ट 19 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 2002 यू स्टार्टेड योर जर्नी एंड इट्स 2021 नाउ। अपनी इस जर्नी को किस तरीके से देखते हैं आप रणवीर जी? अंकिता जी, जर्नी उससे कहीं ज्यादा पुरानी है एक्चुअली। मैं 21 साल का था जब मैंने टीवी इंडस्ट्री, टीवी से स्टार्ट किया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना, तो मुझे ऑलरेडी हो गए हैं एक्चुअली अगर आप देखें तो 26-27 साल तो मुझे हो गए काम करते हुए। वाओ, उसमें से आप जो हिस्से की बात कर रही हैं वो मेरे एक्टिंग करियर की बात कर रही हैं। जी जी, तो एक्टिंग करियर को तकरीबन 20 साल हो गए जी। और क्या कहें, बाल सफेद हो गए। क्या इंस्पिरेशन थी आगे पढ़ने की? इंस्पिरेशन मैं आपको बताता हूँ, इंस्पिरेशन कैसे मैंने देखा है कि इंस्पिरेशन बड़ी चीजों से नहीं लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ इंस्पिरेशन आपने छोटी छोटी चीजों से रखनी चाहिए। अगर आपकी इंस्पिरेशन बड़ी चीजों से होगी ना तो आप जरूर मायूस होंगे कभी ना कभी, ज्यादा मायूस होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपकी इंस्पिरेशन छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मेरे लिए छोटी छोटी चीजें जो विच केप्ट मी गोइंग और रादर कीप मी गोइंग इज के जब मुझे सोशल मीडिया पे कोई मैसेज भेजता है कि आपका भाई आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपका हमने ये देखा बहुत अच्छा लगा, आप यू नो आपको और देखना चाहते हैं, या सड़क पे आपको कोई मिलता है और आपसे हाथ आके मिलाता है और कहता है यू नो कि आपकी ये चीज देखी बहुत बढ़िया है, आपका काम हमेशा देखते हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना ये दीज कीप मी गोइंग। अब अगर मैं रोता रो नहीं, मुझे अवार्ड नहीं मिल रहे, मुझे बड़ी फिल्में नहीं मिल रही, मैं अगर ये देख के चलता रहूंगा ना, चलते रहे आदमी, तो यू नो इट्स सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट। बात की जाए आपके इस सीजन टू की, तो फिर से उस टीम के साथ में जुड़ना कैसा था, कैसा अनुभव था? पहले ही ऑलरेडी सबकी बॉन्डिंग हो चुकी होगी तो कितनी मजे आई सेट पे जब आप काम कर रहे? बहुत बढ़िया टीम है अंकिता, आई कैन नॉट टेल यू। आई थिंक इस जो एक अच्छी एक इजीनेस है इस सीरीज में और जो इसका इसका जो मूड है ना वो आई थिंक इट ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द टॉप। इन इस सीरीज के जो क्रिएटर्स हैं अभी और अजयन और जो प्रोड्यूसर हैं जीजू, ये उनसे आई थिंक उनसे नीचे बहता है, ये उनसे आता है हम सब में टीम में और हम सब से ये पहुंचता है ऑडियंस तक। सीरीज में आपका फेवरेट किरदार कौन सा है आपके किरदार के अलावा? आई थिंक बच्चे उनकी मुझे बहुत मजा आता है, जो मेरे सीन्स होते हैं उनके साथ करने में मुझे बहुत मजा आता है, बिकॉज वो बिल्कुल जैसे टिपिकल जो यू नो एडोलेसेंट टीनेज एंग्स्ट होता है ना जो उसकी तरह उसके साथ होता है, पापा पापा ये हो गया है, पापा डू दिस पापा डू दैट, तो मेरे को उनके साथ सबसे ज्यादा मजा आता है। उसके अलावा आई थिंक पूर्वी का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। पूर्वी का कैरेक्टर इज वेरी फनी एंड पूर्वी इज अ ट्रेमेंडस एक्ट्रेस, यू नो। अच्छा, मैंने ये आपसे जानना चाहती थी, सीजन वन और सीजन टू में ऑलमोस्ट 2 साल का या 1.5-2 साल का गैप माना जा सकता है। एक पहले आप कल्पेश का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, उसके बाद आपकी डिफरेंट मूवीज आई है, आपके वेब सीरीज आ रहे हैं और उसके बाद फिर से आपको उसी किरदार में अगर जाना पड़ता है तो कितना इजी होता है क्योंकि आप पहले उसे प्ले कर चुके हैं, और कितना टफ होता है क्योंकि आप एक अंतराल के बाद आप उसे फिर प्ले कर रहे हैं? नहीं नहीं
देखिए पटरी बिछाने की तरह है, नया कैरेक्टर क्रिएट करना ज्यादा मुश्किल होता है। जो एक बार कैरेक्टर बन गया है, जिसकी पटरी एक बार ले हो गई है, वो सिर्फ पटरी बढ़ानी है, उसी लाइन में आपको आगे 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 जाना है। नया कैरेक्टर क्रिएट करना ज्यादा मुश्किल होता है। अमेजिंग। पिछले साल की बात की जाए, ओटीटी पे लूट केस भी आपकी आई है, परिवार भी आई है, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं। वो दरअसल मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। जो जो मैंने 2019 में शूट किया था ना, अच्छा, वो सब लॉकडाउन में 2020 में आ गया। तो इसीलिए एक्चुअली 6 महीने के लॉकडाउन में आई थिंक मेरी कोई 6 रिलीजेस थी ओटीटी, डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। के बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू यू, ओटीटी पे ने ना सिर्फ बहुत सारे एक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल दिए हैं, वी वर थिंकिंग इट इज न्यू और आगे फ्यूचर, लेकिन अब वो प्रेजेंट बन चुका है हमारा। आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ओटीटी और क्या रोल प्ले किया है उसने आपके करियर में? नहीं, ओटीटी की तो इट्स कहते हैं ना, इट्स गॉड्स ग्रेट बोन टू द एंटरटेनमेंट बिजनेस, क्योंकि सिर्फ थिएट्रिकल सिस्टम में नहीं हो पा रहा था सबका, घर बैठना पड़ता था, फिल्में नहीं लगती थी, यू नो आप फिल्म बनाते तो शोज नहीं मिलते थे। तो ओटीटी से सबसे ज्यादा ना सिर्फ बहुत सारे फिल्म मेकर्स को, यू नो टैलेंट को, टेक्नीशियंस को काम मिल रहा है, उसका जो डबल फायदा ये है कि इतनी तरह की स्टोरीज बन रही हैं, इतनी तरह के जॉनर्स बन रहे हैं, इतनी तरह की कहानियां, इतनी तरह के टैलेंट, नए टैलेंट आ रहे हैं, कि आई एम होपिंग कि ऑडियंस के टेस्ट भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो उससे जो हमारी जो फिल्में भी बनती हैं, वो भी उनको भी इफेक्ट होगा, दे विल ट्राई टू गेट बेटर एट इट, दे विल हैव टू गेट बेटर एट इट। साथ ही अगर बात की जाए तो आगे के आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्या कुछ अब पाइपलाइन में है, आने वाला है? जी अंकिता, आप फेब में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, संतोष सिवन सर डायरेक्ट कर रहे हैं और उसकी कास्ट भी बहुत बेहतरीन है, विक्रांत मैसी हैं, विजय सेतुपति हैं, अपना सचिन खेड़ेकर हैं, संजय मिश्रा हैं, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऐसे ऐसी टीम के साथ काम करने की। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि आप थोड़े टाइम पहले कि आप ओटीटी के भक्त हैं, अगर एक फिल्म और एक सीरीज दोनों आपको एक ही समय पे ऑफर होंगी, दोनों की बेहतरीन स्क्रिप्ट्स हैं, आप किसी एक को चूज कर सकते हैं, किसको करेंगे, जिसकी स्क्रिप्ट बेटर है? आपसे यही कहना चाहूंगी रणवीर, हर बार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और इस बार भी मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। वी आर वेटिंग फॉर द सीजन 2, 29th January को it's releasing. जी, and all the best. We are waiting for your Feb project also. It's a feature film or it's a feature film. It's a feature film. Exactly? It's a feature film directed by Santosh Sivan. That's great. Yeah. So we are waiting for that as well. Thank you. And hope you have a nice day. And thank you so much for talking to us. Share or download करें दैनिक भास्कर app.